हाय एवरीवन, मैं हूँ शिवांगी और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है क्लासी भवा किचन में। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपसे केक को डेकोरेट करने की एक बहुत ही नई, बहुत ही यूनिक और बड़ी ही जुगाड़ू ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं डेकोरेशन। तो फ्रेंड्स, हमारी आज की केक डेकोरेशन के लिए मैंने पाइन एप्पल फ्लेवर वाला केक बनाया था। इसके लिए ब्राउन इको बेक मैंने प्लेस किया है केक टिन में, क्योंकि ये होता है ब्लीच फ्री, क्लोरीन फ्री। इसे यूज़ करना बहुत हेल्दी होता है और केक भी आसानी से निकल आता है। तो ये देखिए, हमने पतीले में हमारा केक बेक किया है और जैसे ही बेक हो गया केक, इसको पतीले से बाहर निकाल के अच्छे से ठंडा करके हमने केक टिन से बाहर निकाला और तीन पार्ट्स में डिवाइड करके इसकी फ्रॉस्टिंग कर ली है और केक को कवर कर लिया है वाइट विप क्रीम से और साथ ही थोड़ी सी स्मूथिंग भी कर ली है। अभी मैंने यहाँ पे लिया हुआ है एक सिलिकॉन का ब्रश और वीडियो में दिखाए गए तरीके से केक के टॉप पे हम इस ब्रश की हेल्प से एक स्वर्ल के जैसा पैटर्न बना लेंगे। और फ्रेंड्स, अभी के लिए हम जाके फ्रिज में रख देंगे केक को करीब 20 मिनट से आधे घंटे के लिए। नाउ आगे की डेकोरेशन के लिए देखिए, यहाँ पर मैंने ली हुई है वाइट चॉकलेट कंपाउंड और इसको मैंने चॉप करके रख लिया है। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने लेटेस्ट अगारो का 24 पीसेस का टूल सेट खरीदा है, तो इसमें ऑलमोस्ट सारे किचन के टूल्स हैं। तो इन्हीं में से मैं मेजरिंग कप और स्पैचुला ले रही हूँ और हमें चाहिए आधा कप और 2-3 बड़ा चम्मच चॉप करी हुई वाइट चॉकलेट। तो ये चॉकलेट जा करके मैंने एक पैन में डाली है, गैस मैंने ऑन कर ली है, एकदम धीमी करी हुई है। और अभी इसी चॉकलेट में हम ऐड करेंगे 1/4 कप के करीब मिल्क और साथ ही 2 बड़ा चम्मच ऑयल। जी हाँ फ्रेंड्स, ऐसा ऑयल जिसमें कोई भी शार्प स्मेल या टेस्ट बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, हमारे बड़े सारे फ्रेंड्स ने हमें कमेंट करके बताया कि उनके पास न्यूट्रल जेल नहीं है, तो न्यूट्रल जेल की जगह पे आज मैं यहाँ पे अनफ्लेवर्ड ऑयल यूज़ करी हूँ। इससे भी ग्लेज आता है। ये देखिए, स्मूद हो चुकी है मेल्ट होकर के। तो अभी के लिए हम चॉकलेट को हल्का सा ठंडा होने देंगे, मतलब हमें ल्यूक वार्म, हल्की गुनगुनी सी चॉकलेट चाहिए। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने यहाँ पे ले ली हैं खाली सॉफ्ट ड्रिंक की बॉटल्स और इन बॉटल के बॉटम पे अगर आप देखें तो ये देखिए एक फ्लावर के जैसा पैटर्न बना हुआ होता है और यही फ्लावर का पैटर्न आज हमें हमारी डेकोरेशन में हेल्प करने वाला है। तो इनमें से एक खाली बॉटल ले करके मैंने पेपर नाइफ ली हुई है और अभी इसकी हेल्प से बॉटम से करीब 1 इंच की दूरी पे हम एक कट लगाएंगे और ये पूरा का पूरा बॉटम जो है वो हम कट कर लेंगे। तो ये देखिए, जो फ्लोरल पैटर्न वाला बॉटम था ना, वो हमें मिल गया है। अभी फ्रेंड्स, आपको लेना है कोई भी आयरन का या स्टील का पतला वाला स्क्रू ड्राइवर या फ्लावर नेल अगर आपके पास है तो मैंने यहाँ पे फ्लावर नेल ली हुई है और इसका जो ये नुकीला नेल है, इसको मैंने एकदम गरम कर लिया गैस से और इसी नेल के पॉइंटेड वाले पार्ट फ्लावर के सेंटर में प्रिक कर दिया है। अच्छे से होल हो गया है, ये देखिए। नाउ फ्रेंड्स, मैंने एक स्ट्रॉ लिया हुआ है और इसको मैंने डाला है बॉटल के होल के अंदर, तो ये बन गया जुगाड़। नाउ फ्रेंड्स, अभी तक हमारा वाइट चॉकलेट गनाश भी हल्का गुनगुना बचा है ल्यूक वार्म, और इसको मैंने सबसे पहले तो मैक्सिमम गनाश ट्रांसफ़र कर लिया है एक मग में और उसके बाद में करीब 2-3 बड़ा चम्मच गनाश मैंने एक दूसरे छोटे मग में ट्रांसफ़र कर लिया है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले बड़े वाले मग के गनाश में मैंने डाले हैं 2 ड्रॉप रॉयल ब्लू जेल फूड कलर के, 3-4 ड्रॉप वाइट जेल फूड कलर के और 1 ड्रॉप स्काई ब्लू जेल फूड कलर के। फ्रेंड्स, आप चाहें तो लिक्विड फूड कलर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये देखिए, एक टूथपिक की हेल्प से मैंने रफली जिगजैग सा पैटर्न बना लिया है गनाश में। और अभी मैंने प्लेट के ऊपर रखी हुई एक जाली वाली ट्रे और इसके ऊपर हमने प्लेस कर दिया है फ्रिज से निकाल करके हमारा केक। और केक के सेंटर पर मैंने प्लेस कर दिया है वो बॉटल का बॉटम जिसमें हमने स्ट्रॉ डाल के रखा था। नाउ फ्रेंड्स, हम लाएंगे यहाँ पे हमारे कलर ऐड किए हुए वाइट चॉकलेट ग्लेज को और स्ट्रॉ के आसपास यानी कि बॉटल के फ्लावर के ऊपर राउंड एंड राउंड चारों तरफ घुमाते हुए हमें ये ग्लेज डालना है। और आप देखेंगे कि जब ये ग्लेज पड़ेगा ना, तो अपने आप ही केक के ऊपर एक फ्लोरल पैटर्न बनेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर डायरेक्टली आप ये ग्लेज पोर करेंगे केक के ऊपर तो ये फ्लावर कभी नहीं बनेगा। ये फ्लावर बन रहा है हमारी इस बॉटल के फ्लावर की वजह से। और जब पूरा गनाश पोर हो जाता है तो केक को थोड़ा सा उठा करके केक बोर्ड से ही हम लेफ्ट राइट करेंगे ताकि जो बहुत सारा एडिशनल गनाश है केक के ऊपर वो साइड में फैलता रहे, ग्लेज फैलता रहे साइड में। और अभी करीब 2-3 मिनट के लिए हम इसको इसी तरह से छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, करीब 2 मिनट हुए हैं और ये देखिए, ग्लेज ने पूरे के पूरे केक को अच्छे से कवर कर लिया है और हमें यही चाहिए था। तो हमने सबसे पहले तो केक बोर्ड के ग्लेज को क्लियर कर लिया है, क्लीन कर लिया है। अभी हम आते हैं हमारे छोटे वाले मग में रखे हुए ग्लेज पे और इसमें मैं डाल रही हूँ एकदम छोटा सा 1 ड्रॉप पिंक जेल फूड कलर का। इसको भी टूथपिक से हल्का सा मिक्स करेंगे और अभी ये पिंक एंड वाइट वाला ग्लेज हम स्ट्रॉ में डालेंगे ताकि ये बॉटल के अंदर वाला जो केक है ना, जो एकदम वाइट है अभी तक, वो कवर हो जाए।
तो फ्रेंड्स जैसे कि आप देख सकते हैं क्योंकि थोड़ी देर से रखा हुआ था ये ग्लेज, इसलिए काफ़ी गाढ़ा हो गया है और स्ट्रॉ से इसको अंदर जाने में प्रॉब्लम आ रही है। तो इसलिए अभी मैंने बॉटल से स्ट्रॉ को निकाल दिया है। वैसे भी स्ट्रॉ ने अपना काम कर दिया है, इसकी वजह से सेंटर से अंदर नहीं जा पाया ब्लू वाला गनाश। और अभी डायरेक्टली बॉटल के होल से ही हम ये पिंक वाला ग्लेज डाल देंगे और उसके बाद हम इसे करीब 1 से 1.5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। करीब 1 मिनट हुआ है और अभी मैं ये बॉटल हटा रही हूँ। एंड लुक एट दिस गाइस, कितने परफेक्टली मेजर्ड शेप में ये हमारा पिंक वाला ग्लेज पड़ा हुआ है। अगर आप इसे डायरेक्टली डाल देते तो डेफिनेटली लेफ्ट राइट फैलता। तो अभी एक बोल में मैंने 2-3 चुटकी गोल्डन डस्ट ली हुई है और इसमें मैंने 2-3 ड्रॉप ऑयल डाले हैं, मिक्स किया। तो ये जो गोल्डन ग्लेज बना ना, इसको मैं पिंक वाले गनाश के ऊपर ड्रॉप ड्रॉप से रख ले रही हूँ और उसके बाद में टूथपिक की हेल्प से हम थोड़ा थोड़ा इसमें पैटर्न के जैसा बना देंगे। एक्चुअली फ्रेंड्स ये ना स्टारी पैटर्न लगता है ना। फ्रेंड्स मैंने एक स्टार शेप के नोजल का एक वेरिएशन लिया हुआ है, इसमें मैंने व्हाइट एंड पिंक कलर की क्रीम डाली हुई है और अभी हम केक के बॉटम पे अच्छा सा बॉर्डर दे देंगे ब्रेडेड पैटर्न का, वीडियो में दिखाए गए तरीके से। और फाइनली फ्रेंड्स हम केक के सेंटर में ये हैप्पी बर्थडे का टैग लगा लेंगे। एंड लुक एट दिस फ्रेंड्स, हमारा पूरा केक बन के डेकोरेट हो गया है, बिल्कुल रेडी। मिनटों में केक डेकोरेट हो गया है, बहुत सुंदर लग रहा है। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस तरीके से केक को डेकोरेट करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हैप्पी कुकिंग।